नमस्कार, सीएमएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। गुरुग्राम में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दीपक नाम के युवक की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई। दीपक के परिजनों ने मौत का आरोप पीजी संचालक और उसकी महिला दोस्त पर लगाया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सर, सेक्टर 38 में एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? पीएस सदर में एक इतला मिली थी, इंफॉर्मेशन मिली थी, जो टिकटॉक पीजी है सेक्टर 38 में, उसमें एक लड़के को बेसुध हालत में होने की इंफॉर्मेशन आई थी और जिसको वेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उन्होंने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया, पोस्टमार्टम करवा दिया गया था। उसके फादर सुभाष जी ने एक कंप्लेंट दी है जिसमें उन्होंने शक जाहिर किया है कि मेरे लड़के को किसी ने मारा है और इसी के ऊपर जो है मुकदमा नंबर 229 अंडर सेक्शन 302 लॉन्च हो चुका है, जिसमें पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो पोस्टमार्टम की कुछ रिपोर्ट्स एफएसएल से आनी बाकी हैं वो भी आ जाएंगी और साथ के साथ हमारा इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, जिसमें जो भी कल्प्रिट होगा उसको राउंड अप किया जाएगा। कितनी उम्र थी लड़के की और क्या करता था? लड़का बता रहे हैं कि वो कोई कोर्ट में काम मुंशी का काम करता था। उम्र कितनी होगी? उम्र तकरीबन उसकी 25-28 साल के आसपास। तो क्या परिवार प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? प्राथमिक जांच में तो अभी FIR लॉज हुई है कल, जिन लोगों पे उन्होंने शक जारी किया है उनसे पूछताछ जारी है और पैरेलली ये भी देखना है कि मौत किस कारण से हुई, वो उसकी पुष्टि करेगा FSL की रिपोर्ट। दोनों चीज़ें इकट्ठी चलेंगी, जो भी कंक्लूड होगा उसके मुताबिक उस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, यदि उसका मर्डर किया गया है जैसा कि उसके फादर का बोल रहा है। क्या शरीर पे कोई चोट के निशान भी थे? वो कोई निशान नहीं। यूपी के महोबा में हत्या और डकैती के मामले में 30 साल तक सजा काटने के बाद रिहा हुए एक व्यक्ति ने लोहे की रोड से पीट पीट कर अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या की वजह पूछी तो उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। घटना हुई है कि ये दोनों भाई थे, सगे भाई थे दोनों, और ये अभी सजा काट के आया 20 साल की करीब, 20 या 30 साल जो भी हुए पूरे करके, और एक साथ दोनों भाई घर में रहते थे और रात में क्या हुआ है, खाना पीने के बाद जो भी किया उन लोगों ने, और रात में ये खबर मिली है कि उसका मर्डर कर दिया। मर्डर का क्या नाम है? ग्यासू। आरोपी का किसने मारा है? केशोरीलाल। देश में होने जा रहे लोकसभा चुनावों को लेकर पूरे देश के साथ कपड़ा बाजार में भी खासा उत्साह है। चुनावी सीजन में जब कुर्ते पजामे और जैकेट्स का बाजार गर्म रहता है तो जबलपुर में कपड़ा व्यापारियों ने खास तरह के कपड़ों वाले जैकेट्स तैयार किए हैं। व्यापारियों ने फैक्ट्री में ऐसे कपड़े तैयार करवाए हैं जिनमें कहीं नरेंद्र मोदी तो कहीं राहुल गांधी और कहीं प्रियंका गांधी के फोटो प्रिंट है। अब मोदी जैकेट और राहुल जैकेट के नाम से ये खास जैकेट्स जमकर बिक रहे हैं और कपड़ा व्यापारियों की भी चांदी है। देखिए जबलपुर से हमारे संवाददाता वाजिद खान की ये खास रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भले ही सियासत में एक दूसरे के धुर विरोधी हों, लेकिन कपड़ा बाजार में दोनों की फोटो से सजे कपड़े साथ साथ सजे हुए हैं। मौका है लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव का, जिसके उत्साह में कपड़ा बाजार भी गुलजार है। जबलपुर के कुछ व्यापारियों ने खास तरह के कपड़े और जैकेट्स बनाकर चुनावी माहौल में उत्साह का तड़का लगा दिया है। इन व्यापारियों ने ऐसे कपड़े तैयार करवाए हैं जिनमें कहीं नरेंद्र मोदी, कहीं राहुल गांधी तो कहीं प्रियंका गांधी की फोटो डिजिटल प्रिंट करवाई गई है। इन्हीं खास कपड़ों से अब मोदी जैकेट और राहुल गांधी जैकेट तैयार की जा रही है। कारखानों में ऐसी जैकेट बनाने का काम दिन रात चल रहा है और देश भर में मिल रहे सप्लाई ऑर्डर से व्यापारियों की भी चांदी है। जबलपुर से वाजिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। क्या थीम है आपकी मोदी जी की? इसका थीम एक्चुअली हम लोग के दिमाग में एक काम ऐसा आया कि अभी जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था, लोगों के बीच में आक्रोश था, उसके बाद मोदी जी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया, फिर अभिनंदन जी को भी तुरंत वापस लाया, ऐसा पहले कोई नेता कर नहीं पाए थे, तो लोगों के बीच में खासी उत्साह हो गया था इस चीज़ को लेकर, और एक तरह से बोल सकते हैं कि मोदी लहर वापस से चल पड़ी थी।
और देखा गया है इस चुनाव में कि अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं सबसे ज़्यादा गर्मा गर्मी और जो मज़ा है इस बार के चुनाव में है। तो हम लोग व्यापारी आदमी हैं, हम लोग का कपड़ा व्यापार है, हम मोदी जैकेट बनाते हैं, तो हमने ये सोचा कि हम भी एक तरीके से चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमने उसी में पार्टिसिपेट होने के लिए हम लोग जो मोदी जैकेट मैन्युफैक्चर करते हैं उसके ऊपर जो प्रसिद्ध नेता हैं जैसे मोदी जी हुए, राहुल गांधी हुए, और अभी प्रियंका गांधी जी की भी एंट्री हुई है, तो हम लोग ने उसका फ़ोटोज़ उसमें प्रिंट करा के मोदी जैकेट मार्केट में लाए, ऐसे हमको इसका आइडिया आया था। और कितना इस जनता को उसमें कितना आप बेनिफिट है या आपको उसकी हम मार्केट? लोग ने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा हमको इसका रिस्पांस मिला है, और जनताओं को इसमें इस तरह जनता को उसमें इस तरह का बेनिफिट है कि उनके जब वो प्रसिद्ध नेता को पहन के बीच रोड में निकलेंगे जिसको सपोर्ट करते हैं तो हमको इस चुनाव का भी रुख पता चलेगा और कौन सा नेता कितना लोकप्रिय है उस चीज़ की भी जानकारी हमको पड़ेगी। मुरादाबाद के गांव आरेखेड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। विवाहिता के परिवार वालों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात के 3 बजे फोन करा। शादी कितने साल हुए इनकी? शादी हुए 8 मार्च को, 1 साल हो गया। इनका झगड़ा होता था पहले क्या? झगड़ा होता था 5-6 महीने पहले, आई ही ने पहले गला घोटा था तो जबकि जिठानी ने बचा ली थी। निकल जाओ। हाँ। कब आई थी मायके से? कब आई थी? दोपहर 5-6 महीने पहले आई थी। दोपहर नहीं पाई ही जब तक जी मिला ला गया तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, वैसे कल मिलाने ले गए है तो कल ले आए है। बिलारी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में रात्रि में मृत्यु हुई है। इस संबंध में थाना बिलारी पर दहेज मृत्यु का अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस के द्वारा छानबीन व आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मृतक के परिजनों द्वारा क्या कोई तहरीर दी है? कितने लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है? मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर प्रदान की गई है, तहरीर के आधार पर ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। गाजीपुर में बेखौफ बदमाशों ने रहटी मालीपुर ग्राम प्रधान के पति दिनेश कुशवाहा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। इस घटना से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्लभ गोली चली, हम भाग के यहाँ पे आए अस्पताल में, यहाँ देख रहे हैं तलाश तो देख ही रहे हैं वही है। हम लोग तो वहाँ विश्वनाथ शास्त्री जी पुलिस सांसद जी में हम घाट पर भी थे, घाट पर से ही बल्कि अभी आए तो सूचना भी तलाश थे भाग के यहाँ चले आए। कौन थे ये? इनका नाम था दिनेश कुशवाहा, इनकी पत्नी प्रधान है रेटी मालीपुर की, जो जखनिया विकासखंड का गाँव है। दुर्लभ प्रधान है और इनकी पत्नी सीता कुशवाहा प्रधान है वर्तमान में। इससे पहले खुद थे? खुद ये प्रधान थे, इसके पर इनकी भौजाई थी, इसके भैया थे, फिर पिताजी पुराना परिवार है। क्या पता चला है क्या हुआ? अभी तो हम लोग आप सीधे सीधे आपके साथ यही अस्पताल में आए हैं। दुर्गापुर अगर वो जाने के बाद ना कुछ पता लगेगा क्या प्रशासन बताएगा, कुछ खोजा होगा तो। हाँ, अभी तो हम लोग सीधे गंगा घाट से शास्त्री जी का वो करके फिर यही बाकी चले तक खबर मिली। शाहजहाँपुर में गिरगिचा गांव के पास 3 बाइक आपस में भिड़ गई। इस हादसे में महिला सहित 3 लोग घायल हो गए और 1 की मौत हो गई। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीमा आप? हाँ। और कौन थे आपके साथ? और कोई नहीं है, मेरे भैया साथ। साथ में आपके पति? मेरे पति हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? अपने मायके जा रहे थे, होली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे थे? बिलंदापुर से, बिलंदापुर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक्सीडेंट जो है कहाँ से हुआ है? मोटरसाइकिल से। और भैया अपने हम तो समर के आ रहे थे, उसने लगा मार दिया टक्कर। किसने टक्कर मारी है? और आदमी आया था मोटरसाइकिल वाला। हाँ। मोटरसाइकिल से टक्कर हुई है भैया, इसे मोबाइल। यूपी के बिजनौर में बामसेफ के जिला संयोजक सतपाल सिंह को पुलिस ने आज उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब सतपाल सिंह ने कुछ दिन पहले आत्महत्या की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी को लेकर आज पुलिस ने घर के बामसेफ नेता को गिरफ्तार किया और नुमाइश चौकी ले गई, जिसके बाद पुलिस ने बामसेफ नेता को थाने में ले जाकर हवालात में बंद कर दिया है। पुलिस ने मुझे आज मैं आत्महत्या कर रहा था गिरीश चंद के विरुद्ध, उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं मान्य बहन जी तक मीडिया के माध्यम से सूचना पहुंचाता था आत्महत्या करूंगा 12 बजे। क्या है, क्यों आत्महत्या करूंगा? आत्महत्या इसलिए करूंगा, गिरीश चंद ने बहुजन समाज पार्टी के मिशन को खत्म कर दिया है और वो जो है मान्य बहन जी तक तथ्य नहीं पहुँचा दे रहे। यूपी के मुरादाबाद की बात करते हैं, जहां पर पिछले दिनों छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। का मामला सामने आया था
एक महिला द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें उनके द्वारा चार लड़कों द्वारा उनकी बेटी के साथ गलत कार्य करने के आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में तत्काल लोकल पुलिस स्टेशन पर केस रजिस्टर किया गया था और त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो उसमें एक भाजपा नेता का भतीजा भी बताया जा रहा है। पुलिस के संज्ञान में इस प्रकार का कोई तथ्य नहीं है और केस से रिलेटेड भी नहीं है। सभी अक्यूज को जेल भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चुनाव के मद्देनजर पुलिस और पीएससी की संयुक्त टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने पुलिस कर्मियों को सख्त आदेश दिए कि नगर और देहात क्षेत्रों के सभी हिस्ट्री शूटर पर पुलिस पैनी निगाहें बनाए रखे, कोई भी शरारती तत्व पुलिस की नजर से बच न सके। ये वर्तमान में लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता लागू है। इस संबंध में लोगों में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए विश्वास जगाने के लिए आज पीएससी के साथ फ्लैग मार्च किया गया है और नगर के जो भी महत्वपूर्ण और मेन मार्केट एरिया रेजिडेंशियल एरिया उनको कवर किया है। सर आगे दिनों भी देखने मिलेंगे ऐसे फ्लैग मार्च? अब ये रूटीन में चलेगा, फोर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर है। जैसे जैसे फोर्स हमें प्राप्त होगा उस हिसाब से ये फ्लैग मार्च का कार्यक्रम चलता रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN News। तब तक के लिए नमस्कार।